प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 बसंत के गद्य भाग का अध्याय 10 नेताजी का चश्मा। पूर्व में हमने देखा कि हालदार साहब रोज उस कस्बे से गुजरते नेताजी का चश्मा बदलता जाता, लेकिन एक बार जब वहां से वो गुजरे तो नेताजी का चश्मा बदला हुआ नहीं था। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पान वाले से पूछा, अरे भाई, अब नेताजी के चश्मा आंखों पर चश्मा तो नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर पान थूका, फिर सिर झुकाकर अपनी धोती से आंख पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसे कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। यानी कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब उधर से गुजरे और उन्होंने फिर यही सोचा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। इस तरह से कैप्टन के मर जाने के बाद उन्होंने, लेकिन मजबूर आंखें थी, रोज उसे देखते थे, मूर्ति की तरफ उठा। जीप रुकी, हालदार साहब उतरे, तेज कदमों से मूर्ति की तरफ गए और सामने एकदम सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, यानी लकड़ी का बना रहते हैं। हालदार साहब बहुत भावुक हो गए और इतनी सी आंखों पर उनकी आंखें भर आई। हालदार ने कहा कि अभी मेरे देश में आजादी की इज्जत करने वाले जिंदा हैं, इस गांव के तो बच्चे भी आजादी के सिपाही हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।